वेलकम टू द न्यू लॉग। तो आप सबको खुश आमदीद कहते फरमान भाई के चैनल पर। और आज है बुध बाजार लगता है यहाँ पर, तो बुध में एक मार्केट अलग से मार्केट लगता है ना, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि यार बुध बाजार में क्या क्या चीज़ें मिलती है, और अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। तो जो यहाँ के लोग हैं वो बुध बाजार का वेट करते हैं, और जो सब्जियां होती है हफ्ते के लिए और बकाया जो चीज़ें होती वो यहाँ से ख़रीदते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पर सस्ती मिलती है, बुध बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिलती है। तो आज देखते हैं कि वाकई में यार सस्ती मिलती है या वैसे लोगों की खुशफहमियाँ है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बुध बाज़ार। तो निकलते हैं बुध बाज़ार। व्यूअर, तो मेरी दुकान के सामने आ चुके हैं सेब वाले। ये सेब वाला आ चुका है, ये चेक कर रहा हूँ, सेब वाला आ चुका है। तो ये है अंगूर इसके पास, ये 300 रुपये का बेच रहे हैं, 300 रुपये किलो है। और साथ में सेब है, सेब 200 का, और केला है, केला 130 रुपये का किलो दे रहे हैं। तो यार चलते हैं बुध बाज़ार और आपको दिखाते हैं कि वहाँ के रेट्स में फ़र्क है या नहीं। तो आप लोग ये ज़रा चेक करके बताए कि फ़र्क होगा कि नहीं, ये इसका साइज़ भी चेक करें और केले का साइज़ भी चेक करें और साथ में अंगूर भी चेक करें। तो यहाँ से एंट्री है बुध बाज़ार की, ये सामने जो बंदा खड़ा है ये चेक करें, ये बैग शैग लगाई हुई है बंदों ने। पहले स्टार्ट में ये चीज़ें आपको मिलेगी, उसके बाद ये कप शप, और उसके बाद आपको क्या मिलेगी, ये चीज़ें रखी हुई है। जैसे आप बुध बाज़ार के अंदर इंटर होते ये पीछे देखे, और ये साथ में है खाने पीने की नीम को, और साथ में मसाले साले। यहाँ पर है रेट लिस्ट, ये रेट लिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो, सब चीज़ें इस पे दर्ज है, मतलब बेस्ट है। यहाँ पर है टमाटर और साथ में चीज़ें, यहाँ पर है क्या, ये आप खुद चेक कर सकते हो क्या है। यहाँ पर है कपड़े, तो कपड़े के रेट अच्छे थे, 1000 रुपये का जोड़ा तकरीबन मिल रहा था मर्दों का। यहाँ पर है पर्दे शर्दे, यस, और साथ में कंबल वगैरह, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। ये खूबसूरत दुकान सजाई हुई है, यहाँ पर भी है कपड़े और ये पर्दे, और यहाँ पर है बच्चों की जूते, ये ज़बरदस्त जूते। साथ में है ये शैम्पू रखे हुए है, ये है प्याज और आलू वगैरह। तो यहाँ पर आपको फिर दिखाते हैं क्या, कंबल, गरम गरम कंबल, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। और ये है लेडीज़ सूट, ये तो लेडीज़ का बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। ये है लेडीज़ सामान, यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। साथ में है क्या, टमाटर, इतने बड़े बड़े पेटियाँ, साथ में गोभी और साथ में सलाद, मतलब सब्जियों की दुकान है यहाँ पर, नेक्स्ट लेवल की है, नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ना, नेक्स्ट लेवल की। ये चेक करें, ये नई नई चीज़ें जो मुझे खुद नाम का भी पता नहीं है। और ये आपको मिलेगी अरबाना, ये रेडी, और साथ में है छोटे छोटे टमाटर भी और गोभी भी। और ये चेक करें, लोग सफाई में मसरूफ है और सेटिंग कर रहे, खूबसूरत सजा रहा है। ये चेक करें, ये सलाद, ओए 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 ओए, वो कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है ये चीज़ें देख देख कर। और ये यहाँ पर बुध बाज़ार की आखिरी स्टॉप है, यानी आखिरी स्टॉप है, और तकरीबन यहाँ से फिर निकलने का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो ये है केलों का स्टॉक, और केले तकरीबन 90-80-100 रुपये का मिल रहे थे। और ये मतलब जो बुध बाज़ार है उसमें 90% आपको सब्ज़ी फ्रूट और इस तरह की चीज़ें मिलेगी, और बकाया कपड़े वगैरह यानी 10% जो आम चीज़ें 10% आपको मिलेगी। ये सेब 180 रुपये का दे रहे थे, और साथ में ये केले 80-90 रुपये का दे रहे थे। तो मतलब सब्जियों के रेट यहाँ पर काफ़ी हद तक सस्ती थी,
ये चेक करें नारंगी, ओए ओए ओए, ये बुद्ध बाज़ार का बड़ा सा बिल्डिंग है, आप बाज़ार में एंट्री होते हो तो ये आपको नज़र आएगी। और ये है खजूर, मैंने तो ख़ुद अपने पहले रमज़ान में खजूर लिए थे, 40 किलो मेरे ख़राब हो गए, लेकिन इन लोगों के ख़राब नहीं होते। और ये है आखिर पे क्या आपको दिखाते हैं, अमरूद, और इंशाल्लाह भी किधर जाएंगे, ये है खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर भी मिलते हैं, फ्रूट चाट वगैरह। तो मैं निकल आया हूँ बुद्ध बाज़ार से, और तकरीबन ये 4-5 दुकानें हैं, इसके बाद मेन रोड पे बंदा निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको बूट शूट दिखाते हैं कि यार बूट भी आपको मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ चुका है, इसी वजह से बूट बहुत ज़्यादा है। ये है स्कूल बैग, ये मेरे जानने वाले मिल गया, उसने कहा यार मेरी वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा क्यों नहीं बनाते यार, आपकी क्यों नहीं बनाएंगे। ये है मोटरसाइकिलों का स्टॉप, और मैं बाहर आ चुका हूँ मेन रोड पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फुल मेन रोड है। तो यहाँ पर हाजी साहब के पास चलते, हाजी साहब के पास आया हूँ, तो यहाँ से चीज़ें लेते हैं। अभी ऑर्डर मैंने दे दिया है, और मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो इन लोगों की भी बनाओ, और फिर जाएंगे अपनी शॉप पर। यस यस, अपनी शॉप पर। और ये है कौन, मोटा मोटा, और ये चेक करो मोटा लगा हुआ है, उसने मुझे नहीं देखा और अभी आखिर पे देख लिया। यस। A few moments later. अच्छे व्यूअर, तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो पसंद की होगी, बुद्ध बाज़ार की मैंने काफ़ी कोशिश की कि आप लोगों के साथ शेयर करो, और काफ़ी अच्छा रेट्स था इसका सब्जियों के, और साथ में फ्रूट वगैरह के, बकाया जो कपड़े शपड़े है वो इसका भी अच्छा रेट था। यानी जो मैंने सुबह बात की थी कि खुशफहमी में मैं तो लोग नहीं है, तो वाकई में खुशफहमी में नहीं है, और वाकई में चीज़ें सस्ती मिलती है। तो बुद्ध बाज़ार, तो मैंने कोशिश की है कि सिर्फ आपको चीज़ें दिखाऊं, बकाया जो लोग हैं वो मैंने पता है किस वजह से नहीं दिखाया, वो इस वजह से क्योंकि सारे 90% लेडीज़ थी, औरतें थी, तो इसी वजह से मैंने बकाया लोग नहीं दिखाया आपको। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रश होती है बुद्ध बाज़ार में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप पसंद की होगी, पसंद न भी की हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।